आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषम पोषी पोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे पहला जो होता है ये होता है प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक पोषण है इसका जो उदाहरण है ये मानव है। इसमें होता क्या है कि जो जीव होता है वो खाने को सॉलिड और लिक्विड, मतलब ठोस और तरल अवस्था में क्या करता है, ग्रहण करता है, अंतर ग्रहण करता है। और जो खाने का जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो बॉडी के अंदर होता है। ऐसे पोषण को हम लोग प्राणी सम पोषण बोलते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, एग्जाम्पल अमीबा और मानव। हम लोग जो खाना खाते हैं वो एक प्रकार का होलोजोइक न्यूट्रिशन है, प्राणी समपोषण है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है, या तो वो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, और उसका हम अंतर ग्रहण करते हैं और वो खाना हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जा कर के क्या होता है, उसका पाचन होता है। दूसरा जो होता है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए मात्र जीवों पे निर्भर करते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक या मातृजीवी पोषण भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो क्या है कि जो सड़े हुए, जो गले हुए और जो सड़ी गली हुई चीज़ें हैं, मांस हैं, उन पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे आपने गिद्ध देखा होगा, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, सड़ गल रहा होता है, तब जो गिद्ध होते हैं वो आके उनको खाते हैं। हमारे जितने भी फंगस हैं, फफूदी हैं, ये भी जो डेड चीज़ें होती हैं, जो सड़ी गली हुई चीज़ें होती हैं, उससे अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, अपने पोषण को, अपने खाने को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मातृजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक पोषण बोलते हैं। मातृजीवी पोषण नाम से ही पता लग रहा है, जो मित्र जीव हैं उनसे अपने भोजन को क्या करना, प्राप्त करने को कहते हैं। फिर आता है परजीवी पोषण, इन्हें पैरासाइटिक बोलते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जो किसी दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, रहकर उनके बॉडी के, या तो वो बाहर रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, या बॉडी के क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे, और उनसे वो अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहते हैं। इन्हीं को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, परजीवी पोषण बोलते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बालों में जो जू होती है, जो बालों में जू पाई जाती है, ये क्या करती है, ये एक जीव है, और ये दूसरे जीव पे, जो कि इंसान है, उनमें पाई जाती है। तो एक जीव दूसरे जीव पे रहेगा और उस जीव से लगातार नरिशमेंट क्या करेगा, ऑप्टेन करेगा, पोषण ऑप्टेन करेगा। आप ये ध्यान रखें कि जो भी परजीवी होगा, जो भी पैरासाइट होगा, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म पे होगा तो परजीवी का जो साइज़ होगा बहुत छोटा होगा, 10,000 गुना क्या होता है, छोटा होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट क्या करता है, अपना पोषण क्या करता है, प्राप्त करता है। क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पे होगा उसको पता लग जाएगा और वहाँ से इसके रिजेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जो भी आपका परजीवी होगा उसका साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा होना चाहिए। इसमें जोक आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, गाँव में आपने देखा होगा जो तालाब उलाब के अंदर जो गाय भैंसें होती हैं, जब जाती हैं तो बहुत बार जोक उनसे चिपक जाते हैं और उनका ब्लड जो है वो चूसने लगती हैं। और फीता क्रीमी, बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े बन जाते हैं उनकी बात है। अमर बैल आपने सुना ही होगा, गांव में कुछ पेड़ होते हैं, वहाँ पर रेसे रेसे टाइप के बहुत सारे जो होते हैं वो निकल आते हैं, तो वो अमर बैल होते हैं। ये अमर बैल एक प्रकार का पेड़ है। अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा पेड़ बताइए जो अपना खाना नहीं बना पाता है, जो पैरासाइटिक फॉर्म में पाया जाता है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या जाएगा, अमर बेल जाएगा। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, विकास के दौरान इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो लुप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो ये क्या करता है, जो दूसरे पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है और उनके जो डेड पार्ट्स होते हैं वहाँ से अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिएंट क्या करता है, ऑप्टेन करता है। ठीक है, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, अपना नरिशमेंट, अपना पोषण ऑप्टेन कर रहा है, किसी लिविंग से ऑप्टेन कर रहा है, जिस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जब एक जिंदा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट ऑप्टेन करता है, पोषण ऑप्टेन करता है, उसी को परजीवी बोलते हैं।
परजीवी के लिए कुछ कंडीशन आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो परजीवी होगा वो या तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा या तो उसके बाहर रह करके अपना नरिशमेंट ऑप्टेन करेगा, मतलब उसके कॉन्टैक्ट में ज़रूर होगा, उसके संपर्क में, उसके बॉडी के संपर्क में ज़रूर होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो परजीवी होगा उसका जो साइज़ होगा, उसका जो आकार होगा, वो बहुत छोटा होना चाहिए। जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाएगा उसके तादाद, उसके आकार के हिसाब से उसका जो साइज़ है 10,000 गुना से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जितना छोटा साइज़ होगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। जो ऑर्गेनिज्म है, जो होस्ट होगा, जो अन्य जीव होंगे, वो उसको आसानी से देख नहीं पाएंगे अपने बॉडी पे, अपने बॉडी पार्ट्स पे, अपने सरफेस पे, तो उसको सर्वाइव करने में क्या होगा, आसानी होगा। अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताने जा रहा हूँ कि जो अमीबा होता है आखिरकार वो कैसे अपना नरिशमेंट ऑप्टेन करता है, अमीबा के अंदर कैसे भोजन का डाइजेशन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो अमीबा है वो एक कोशिका जीव है, ये सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना होता है, सिंगल कोशिका से बना होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसके पास कुछ ऐसे फुट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं, हिंदी में पादाब बोलते हैं। इसकी हेल्प से अमीबा चल फिर सकता है और अपने खाने को, अपने खाद्य पदार्थ को ये क्या करता है, पकड़ता भी है। तो ये खाद्य कण है, फूड पार्टिकल है, और भोजन को ये अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। ये जो है इसे पादाब बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसकी हेल्प से ये क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये फूड पार्टिकल को पूरा घेरता है तो ये दोनों पादाब जो हैं स्यूडोपोडिया आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद यहाँ पर एक रिक्त स्थान सा बनता है जिसके अंदर फूड है, तो इसे खाद रिक्तिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद रिक्तिकता। ये जो खाद रिक्तिकता है, जो फूड वैक्यूल है, इसके अंदर जो फूड है उसको विघटन किया जाएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, उसका पाचन किया जाएगा, ठीक। पाचन करने के बाद जो बचा हुआ अपच होगा, जो बचा हुआ जो फूड होगा, जो खाद होगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको सरफेस की तरफ गति किया जाएगा, बाहर की तरफ क्या किया जाएगा, उसको गति किया जाएगा। गति करने के बाद जो भी वेस्ट है, जो भी मतलब ऐसी चीज़ है जो बच गई चीज़ है, जिसको पाचन नहीं किया जा सका, उसे वर्ज्य पदार्थ बोलते हैं, और इसको क्या किया जाता है, सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन, अपना जो पोषण है वो करता है। अमीबा सबसे पहले भोजन को अपने पादप की सहायता से क्या करता है, घेर लेता है। देखिए, इसको घेर लिया है, घेरने के बाद क्या बनता है, खाद रिक्तिकता बनता है। क्या बनता है, खाद रिक्तिकता। यहाँ पर रिक्त स्थान होता है जिसके अंदर फूड होता है, जिसकी वजह से इसे खाद रिक्तिकता बोलते हैं। और इसी खाद रिक्तिकता के अंदर जो आपके खाद है, इसको जटिल पदार्थ जो होता है, इसको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, यहाँ पर इसका पाचन किया जाता है। और बचा हुआ जो अपच कोशिका होता है, अपच जो बचा हुआ जो फूड होता है, खाद होता है, जो पचा नहीं हुआ होता है, जो अपच होता है, उसको कोशिका, ये जो सेल है, इसकी सतह की तरह क्या किया जाता है, गति किया जाता है, ताकि जो बचा हुआ जो वेस्ट फूड है, जो बचा हुआ वर्ज्य पदार्थ है, उसको सेल से क्या निकाला जा सके, बाहर निकाला जा सके। और जो पचा हुआ पदार्थ है, जिसको पाचन कर लिया गया है, डाइजेस्ट कर लिया गया है, उसको पूरे सेल के अंदर क्या कर लिया जाता है, फैला लिया जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है उसको वहाँ पर क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। ये देखिए, जो वर्ज्य पदार्थ है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको सेल के सरफेस से क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से जो अमीबा होता है वो अपना भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है। इस तरीके से अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है। तो CBSE में कभी भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ये तीनों प्रकार के बारे में बताना होगा। और अगर बोले कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, तो आप ये हिंदी में पूरा का पूरा लिख सकते हैं, वहाँ पर डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ये जो सेंटेंस हैं इसको लिख देंगे, तो भी आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे।